रानीगंज विधानसभा के सिवसत गांव में 48 करोड़ की लागत से बनने वाले राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी की उदासीनता के चलते कार्यसाधी संस्था निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रही है। वहीं रानीगंज के विधायक के हाथ के धक्के से दीवार गिरने के बाद जिला प्रशासन ने निर्माण कार्यों की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। वहीं शहर से सटे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के सिवसत गांव में 4 साल पहले राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ और इसकी जिम्मेदारी समाज कल्याण निर्माण निगम को दी गई है। वहीं 48 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है और 2 साल तक कोरोना संक्रमण के चलते निर्माण कार्य प्रभावित रहा। वहीं कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद निर्माण कार्य में तेजी आई। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के लिए अब तक 22 करोड़ रुपए की धनराशि कार्य करने वाली संस्था को दी जा चुकी है और मार्च 2023 तक इसे तैयार किया जाना है।